हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो अज का लैक्चर उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट होगा जो स्टूडेंट्स ETT सैकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इस तो अलावा जेकर पंजाब के किसी होर कॉम्पीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुहाडे लिए भी यह लैक्चर हैल्पफुल रहने वाला है। सो इस विच असीं 20 to 25 MCQ टाइप क्वेश्चन करांगे। जिदा कि थोड़ा पता, इस तो पहले अपने 9 लैक्चर हो चुके हैं, यह अपना 10th लैक्चर रहने वाला है। हर एक लैक्चर के असीं मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन करते हाँ जो कि ETT सैकेंड पेपर वाले का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हाँ असी अज का लैक्चर। सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखियो, एंड जेकर इस चैनल पर नवे हो तो इस चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर लियो। सो फस्ट क्वेश्चन अपने को है, आपे फातरीए तेनू अखाण पूरा करो। तो आप पता होना चाहिए आपे फातरीए तेनू कौन छुडावे, ये अपना पूरा अखाण हुंदा। तो सैकेंड ऑप्शन अपनी राइट रहने वाली है। ये जदों कोई अपनी गलती दे नाल मुसीबत च पै जाता है तो उदों इस अखाण की वरतों की जाती है। नैक्सट अपने को है, दुआबी किस जिले की भाषा है। बेसिकली उपभाषा है दुआबी, अपन पता होना चाहिए दुआबी पुआधी माझी तो मलवाई अपन उपभाषावान चार। तो ये दुआबी की गल करिए तो ये किहड़े जिले की भाषा है, यह है जी जलंधर की, जलंधर की भाषा। इस तो अलावा कपूरथला हुशियारपुर ये जिले में भी बोली जाती है दुआबी। तो नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, संबंधक चुनो। तो इन संबंधक ही होगा, तो थर्ड ऑप्शन अपनी राइट आती है दे या दा, ये संबंध प्रकट करेंगे नाव का या प्रणाव का किसी होर। तो ये अपने को संबंधक होंगे है, तो संबंधक तो थोड़ा पता होना चाहिए, इसकी किस्म का पता होना चाहिए। तीन किस्म होंगे ने पूर्ण अपूर्ण तो दुबाजरे, ये संबंधक किस्म होंगे ने। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, दुश्मन वैरी शत्रु शब्दों का होर कि समान अर्थी है। तो समानार्थी सनोनियम जिसमें कहा जाता इंग्लिश, तो किहड़ा होगा इसका विरोधी। राइट आंसर रहने वाला है विरोधी या दुश्मन वैरी शत्रु, ये समानार्थी ने सारे। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, लत अड़ौनी मुहावरे का की अर्थ है। तो इसका राइट आंसर की रहने वाला है खाम खा दखल देना, मतलब जान बुझ के किसी दिन दखल देना, वह होंगे जी लत अड़ौनी मुहावरे का अर्थ। नैक्सट है पुआधी की है। तो पुआधी आपको पता एक उपभाषा है, आप गल कर चुके हैं किहड़े जिले बोली जाती, रोपड़ मोहाली तो पटियाले का कुछ हिस्सा भी पुआधी बोलता है, बट बाकी जो हिस्सा है वो मलवई बोलता है, आपको पता होना चाहिए। इस तो अलावा थोनों ये पता होना चाहिए कि अपनी टकसाली बोली की है माझी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो टकसाली बोली होंगी की है पता होना चाहिए, जी दफ्तरी कामों के वरती जाएगी वो टकसाली बोली होंगी है। नैक्सट अपने है कि शब्द जुलम शब्द का समानार्थी, अगेन सनोनियम देखना आप। जुलम का की होगा जी अत्याचार होने वाला है, अत्याचार करना या जुलम करना सेम वर्ड होंगे। सो नैक्सट अपने को है पग लाउणी मुहावरे का अर्थ है। तो पग लाउणी मुहावरे का अर्थ की होंगे आप पता होना चाहिए, बेइज्जती करनी, बेइज्जती करनी या पग लाउणी ये मुहावरे का अर्थ होगा। नैक्सट अपने को है शुद्ध वाक चुनो। तो फस्ट अपने को दिता है उसने एक पेन दो किताबा खरीदी, तो अपने को गलत हो जाता है। नैक्सट अपने को है उसने एक पेन तो दो किताबा खरीदिया, तो राइट बनता है अपने को वाला सैकेंड ऑप्शन अपनी की रही है राइट रही है। तो आप जो है वाक नू देखना है बोल के, जोड़ा अपना सही होगा वाक उसको आप टिक करांगे। नैक्सट अपने को है शुद्ध शब्द जोड़ चुनो। तो इस कि शुद्ध शब्द जोड़ होगा, तो आप देखते अपन फोर्थ ऑप्शन अपनी राइट मिलती है। तो जेकर इसकी गल करिए रोंग हो जाता, इस उपर बिंदी लगी हुई है। तो नैक्सट अपने को है उसकी पग का रंग लाल है, वाक विशेषण चुनो। तो विशेषण की गल करते हैं जो नाव या पड़नाव की विशेषता दसेगा वह विशेषण होंगे, तो इस की विशेषता दस रहा लाल है, तो लाल एक विशेषण बनता है अपने को। फस्ट ऑप्शन अपनी राइट रही है। तो अपन पता होना चाहिए विशेषण किस्म का, पांच किस्म होंगे ने। फस्ट है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, पड़नावी विशेषण, ये की ने विशेषण किस्म ने। नैक्सट आप देखते हाँ प्रिंसीपल साहब कॉलेज आए और उन्होंने भाषण दिता, वाक विच केड़ी किस्म है। तो वाक की किस्म देखनी आप, अपन पता होना चाहिए साधारण संयुक्त ते मिश्रित, ये वाक दी किस्म है तीन। तो इस आप गल करिए तो दोनों एक दूजे ते निर्भर नहीं कर रहे वाक, इसलिए अपन पता है कि ये किड़े होंगे जी संयुक्त वाक होंगे। तो ये वाक की गल करते आप लास्ट लैक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तुसी देख सकते हो। सो जिन्होंने नई लैक्चर देखे वो तुसी देख सकते हो, उन्हों का लिंक थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो।
उत्थे तुहानू इहनां दा लिंक मिल जाएगा। सो वीडियो चंगी लग रही होवे तां वीडियो नूं शेयर कर दिओ एंड लाइक कर दिओ। सो नैक्सट देखदे आपां हेठ लिखे शब्दों विचों किहड़ा ठीक है, तां ठीक शब्द चुनना इहदे विचों। तां आपां फस्ट ऑप्शन देखदे हां झाड़ू, झाड़ू नूं आपां इस तरह लिखदे हां तां अपना फस्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाती है। नैक्सट देखते आपां हेठ लिखा विचों विशेषण चुनो, अगेन विशेषण की गल की जो गुण दसेगा इस दे विचों चिट्टा अते जामनी ये विशेषण होणगे, क्योंकि आपां गल की पहला पग का रंग लाल है तो लाल एक विशेषण से, इस तरह ही जिहड़े रंग ने एक विशेषण होणगे। सो नैक्सट देखते आपां अद्धक वाला ठीक शब्द जोड़ चुनो, तो फस्ट देखते आपां इहदे च नन्ने दे उपर अद्धक है जो कि सही नहीं होगा, तो आपां लास्ट देखते हैं ये इदा लिखा होगा तो अपने को राइट होगा जो आप बिल्कुल अद्धक के नाल जो है दुलावा अद्धक जो नाल हो उदो अपना सही हो जाता है। इसलिए अपना फोर्थ ऑप्शन की रही है करैक्ट रही है, ध्यान इदा के क्वेश्चन तुम करने होंगे। नैक्सट अपने को है उस्तत शब्द का समानार्थक है, इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रशंसा। उस्तत शब्द का समानार्थ की होगा जी प्रशंसा होगा। इदा के सिंपल जो क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल जाते हैं, तो ये जो एग्जाम चाहे हुए क्वेश्चन होंगे है जो सिंपल एग्जाम होंगे जिमें आप पता पी एस टैट की गल करिए भी सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, तो इदा के क्वेश्चन आपको मिलने के चांस ने। बट इस तो अलावा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करा नैक्सट वीडियो के एक बार तुम इन्नी तैयारी जरूर करनी है। सो नैक्सट अपने को है टिप्पी की वरतों वाला ठीक शब्द चुनो, तो टिप्पी की वरतों वाला ठीक शब्द कौन होगा जी। थर्ड ऑप्शन पिंड, पिंड नूं आपां इस तरह लिखांगे इसका राइट आंसर पिंड इस तरह बनेगा। सो नैक्सट अपने को है तत्ती वाणा लगना का अर्थ है, इसका अर्थ की रहने वाला है तत्ती वाणा लगना का अर्थ होंदा है जी कोई तकलीफ ना होने देनी, कोई तकलीफ ना होनी या तत्ती वाणा लगना इसका अर्थ होगा। इदा के मुहावरे अपन देखने को मिल जाते हैं। नैक्सट अपने को है सहेली का पुलिंग चुनो, तो पुलिंग की गल करिए लिंग किस्म होंदिया ने जी पुलिंग स्त्रीलिंग, तो सहेली का एक स्त्रीलिंग है तो इसका पुलिंग चुनना है तो की होगा जी मित्र होगा। थर्ड ऑप्शन अपनी राइट रहती है। नैक्सट अपने को है अभ्यास न शुद्ध किमें लिखा जाएगा, तो अभ्यास में शुद्ध किमें लिखा तो यह अपन पता होना चाहिए, आप अभ्यास में इस तरह लिखते हाँ तो अपने को राइट आंसर कहड़ा रहता सैकेंड ऑप्शन, क्योंकि आप इस पर अपन सियारी पानी पवेगी। नैक्सट अपने को है शुद्ध मुहावरा चुनो, तो इस जो शुद्ध मुहावरा देखते हो अपने को रहता जी थर्ड ऑप्शन राइट आती सिरों पानी लंघना, मतलब कुछ काम करने का समा जो बीत जाता तो उदो कहते आप सिरों पानी लंघना। नैक्सट अपने को है हेठ लिखे शब्दों के विचों एक वचन चुनो, तो फस्ट अपने को है कुड़ियाँ, सैकेंड है अखा, थर्ड है फल, फोर्थ है कौड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि जे अपने तिने ने ये अपने को बहुवचन ने, तो लास्ट वाला अपने को ये एक वचन, क्योंकि कौड़ी का बहुवचन की होंगे जी कौड़ियाँ होंगे, तो फल का हमेशा फल ही रहता है बहुवचन भी, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको बिल्कुल पता लग रहा है कि बहुवचन ने, बट फल की गल करिए आप थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट कौड़ी का देखते हैं तो कौड़ियाँ बहुवचन बनता है, इसलिए अपना राइट आंसर की रह जाता है फोर्थ ऑप्शन रहता है। सो इसे अपने अज के लैक्चर, तो इस आप जो क्वेश्चन करे इंपोर्टेंट होंगे तो तुम ध्यान कर लेने हैं। तो इस अलावा जेकर तुम अपने होर लैक्चर नहीं देखे जिमें मैथ की गल करिए जनरल साइंस की या सोशल साइंस की, वो तुम देख सकते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट के विजिट कर सकते हो। इस अलावा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिंक मिल जाएंगे, एंड जेकर तुम अपने वट्सएप एंड टैलीग्राम ग्रुप नहीं ऐड हो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, उन्होंने लिंक भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। एंड लास्ट थिंग कि जो भी तुम वीडियो देख लेंगे तो कमेंट जरूर चैक कराया करो, जेकर किसी ऑप्शन या क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगी है तो वह कमेंट के पिन कर दिया जाता है। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के, थैंक यू।